बीजेपी से बगावत करने के कारण निलंबन झेल रहे सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को आजाद ने कहा कि गृह मंत्रालय तब से कह रहा है कि जम्मू के हालातों को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन हकीकत तो इससे कोसों दूर है। आगे आजाद ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता से किए गए वादों का आखिर क्या हुआ। थर्ड फ्रंट का कांग्रेस का आगे गठबंधन हो रहा है और उदय होने वाला है, उसको देखते हुए न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। क्या यही कारण नहीं था कि अमित शाह जी को शिवसेना प्रमुख से और अकाली दल के प्रमुख से, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख से जाकर भेंट करनी पड़ी है, जो कि अपने नाखून दिखाना शुरू हो गए हैं? यह तो हम नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को डर सता रहा है या नहीं सता रहा है। डोर टू डोर क्यों जा रही है यह तो आपको बीजेपी से पूछना होगा, लेकिन डोर टू डोर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यह जानना बहुत आवश्यक है। क्यों मार्केट में जाना पड़ रहा है आपके? यह तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी क्या हुआ, इसे खतरे की घंटी समझती है इसीलिए वह डोर टू डोर जा रही है। जहां तक मेरी सोच है, इस बार महागठबंधन और दूसरे अलायंसेस जो एनडीए को छोड़कर हैं वो सतर्क हैं और उनको मालूम है कि अगर इस बार उन्होंने गलती की तो फिर उनके हाथ से सत्ता निकल सकती है। इसलिए एनडीए को छोड़कर जो दूसरी एक अलायंस बन रही है वो ऐसी गलती नहीं करेगी, क्योंकि प्रश्न आ जाएंगे 2 करोड़ रोजगार देने के प्रत्येक वर्ष, 15 लाख रुपये हर बैंक अकाउंट में जाने की आ जाएगी, स्मार्ट सिटी की बात आ जाएगी। वो स्मार्ट सिटी की बात जो लोग हमसे कह रहे थे, हमको गरी आ रहे थे कि दरभंगा स्मार्ट सिटी में नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके अंग नहीं थे, लेकिन धन्यवाद करते हैं भगवान का कि अच्छा हुआ दरभंगा स्मार्ट सिटी में नहीं आया, नहीं तो लोग हमको गाली देते कि किसी भी स्मार्ट सिटी पर कहीं भी पूरे देश भर में काम नहीं हो रहा है। बिजली, आप पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए कहां पहुंच गया है, बलात्कार बढ़े हैं, महिलाओं का अपहरण हो रहा है, दबे कुचलों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों की हाल देखिए क्या है। केंद्र सरकार की इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि पिछले 4 सालों में केवल 1.6% बढ़ोतरी हुई है किसानों के लिए, तो इस प्रश्न का जवाब हम नहीं दें तो अच्छा है। सांसद कीर्ति आजाद पहले भी बीजेपी पर सवाल उठा चुके हैं। अरुण जेटली पर सवाल उठाने के कारण ही पिछले कई महीनों से बीजेपी से निष्कासित है। निष्कासन के बावजूद कीर्ति लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।